हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आए हैं मनीष भाई के साथ, से मनीष भाई है, और आए हैं छापोरा फोर्ट, जो कि गोवा में है। एकदम मस्त बना हुआ है छापोरा, पुराना फोर्ट है, तो उधर चलते हैं। ये मेरा पुराना प्रॉपर्टी है डब्लू गोवा, जहाँ मैं इधर 4.5 साल काम किया था। तो ये रहा डब्लू गोवा, और ये छापोरा जाने के लिए रास्ता। तो चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके थोड़ा फोटोशूट वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद धूप हो रहा है यार, थोड़ा छाता भी लाना था। तो इधर पार्किंग भी एरिया है, ये पे पार्किंग है। मैं हम लोगों ने पीछे ही गाड़ी रख के आ गया, क्योंकि फ्री में चाहिए ना, पैसे कौन देगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो अपना पहचान है उधर, उधर रख दिया गाड़ी। ऊपर चलते हैं, देखो कितने लोग टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ऊपर जाते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर जाके क्या व्यू है, क्या है। और इधर काफी स्टॉल लगा हुआ है, ये देखो पे पार्किंग एरिया है। और लोग जा रहे हैं यार, थोड़ा उम्र के लोग को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी ऊपर है, चढ़ने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो हम भी चलते हैं। ये देखो काफी लोग ऊपर से जाके आ चुके हैं, और हम तो ऊपर जाते जाते लग रहा है बेहोश हो जाएगा, थक गए रे। तो काफी स्टॉल वगैरह है, अब लोग मैगी जूस मैंगो फ्रूट वगैरह खा सकते हो। तो ये स्टेयरकेस से ऊपर जाते हैं, ये स्टेयर से ऊपर चढ़ने का। तो आधे स्टेयरकेस तक पहुंच गए, तो मनीष भाई भी आ रहे हैं धीरे धीरे, और ऊपर से देखो क्या नज़ारा आपको देख रहा है। वो जो दिख रहा है वो बिल्डिंग डब्लू होटल का है, काफी याद आ रहा है डब्लू का इधर आके। और ऊपर फोर्ट है, चलते हैं। तो हम मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं, ये देखो इधर से अंदर जाएंगे। और काफी पुराना फोर्ट है, और पहले इसको कोई केयर नहीं करता था, अभी तो केयर कर रहे हैं। नहीं तो पूरा टूट वूट के पूरा खराब हो चुका है, लोग हमारे जैसे ही लोग तोड़ते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। देखो काफी क्राउड है, इधर ऊपर चढ़ते ये रहा। तो थोड़ा बहुत उधर हवा खाए, फिर आ गए पीछे की तरफ छापोरा फोर्ट। काफी तोड़ फोड़ टूट फूट चुका है, लेकिन फिर भी टूरिस्ट आ रहे हैं देखने के लिए, अच्छी बात है, क्योंकि जितना एक्सपोज होगा उतना तो लोग आएंगे। तो ये देखो ये काफी क्राउड हो रहा है, तो इधर भी चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या भी हुआ इधर से भी। कुछ नहीं, आप लोगों को बस समुंदर ही दिखेगा, समुंदर को देखने के लिए फोटोशूट करने के लिए लोग आते हैं। और ये पंजिम से एकदम 22 किलोमीटर, तो आप लोग स्कूटी ले लो रेंट पे, या बाइक ले लो रेंट पे, या क्या करके आ जाओ। ये रहा नजारा, ये देखो ये पूरा डब्लू प्रॉपर्टी है, मैं जहाँ पहले काम कर जॉब करता था। देखो पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये सारा इसी छपरा पोर्ट में जाता है। और ये देखो काफी लोग बैठे हुए हैं,
काफी लोग आए हैं और ये अपना मनीष भाई भी वीडियो बना रहा है। और आपको अच्छा फोटो खींचना है, अच्छा जगह बोले तो देखना है ना, तो ये जो रोड देख रहा है ये इधर से अंदर जाने का, तो आपको एकदम मस्त नज़ारा मिलेगा जो कि हम जा रहे हैं उधर, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। और मनीष भाई क्या लग रहा है आके? बहुत धूप है, पानी भी ले आते सही होता ना? यस। और बियर? धूप है। और बियर? बियर तो अब इसके बाद हम देखेंगे। मैंने छोड़ दिया यार, सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया। क्या करना है? ये रहा नजारा जाने का रास्ता। उधर नहीं, उधर से कुछ नहीं, इधर आ। मेरे को पता है ना उस जगह जाना है ना हमको, उधर जाएंगे मनीष भाई हैं? उधर जाएंगे? हाँ इधर से है रास्ता, काफी लोग उधर से जा रहे हैं, उधर से रास्ता नहीं है भाई लोग, क्योंकि मैं तो इधर काफी पुराना आ चुका हूँ, पुराना हूँ। तो चलते हैं उधर जंगल में, कुछ मंगल करने का सीन है क्या? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोना। ये देखो पूरा जंगल जंगल रास्ते में जाना पड़ेगा एक अच्छे जगह जाने के लिए। तो मनीष भाई भी आ रहे हैं, डर गए क्या मनीष भाई? नहीं, अच्छा आप भी ब्लॉगिंग कर रहे हो क्या? थोड़ा ध्यान से जाने का, बस बारिश के टाइम में मत आना भाई लोग, ये बारिश में डेंजर रोड है। ये देखो इधर से रास्ता, ये रहा पहुंच गए हम, देख रहे हो क्या नजारा देख रहा है इधर से। मनीष भाई आगे, तो इधर काफी मैंने घुमा है इधर, तो ये रास्ता मेरे को पता है, तो इसलिए आया हूँ। ये देखो फोटोशूट, कुछ मूवी शूट करना है, कुछ प्री वेडिंग प्री एंगेजमेंट का वीडियो शूट करना है, तो इस एरिया के लिए, इस एरिया एकदम मस्त है, तो आप लोग आ सकते हो। देखो ये क्या नज़ारा है देख रहे हो, तो काफी धूप हो रहा है यार, तो चलते हैं उधर भी, चलते हैं वो कोने। तो गाइस ये देखो क्या नज़ारा है, वो रहा छपरा फोर्ट, हमारे देखते हुए काफी लोग भी आ रहे हैं इधर देखने के लिए, हम दोनों के अलावा इधर कोई नहीं है, क्योंकि ये रास्ता किसको ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और कुछ लोग आ रहे हैं उधर से। तो ये देखो क्या व्यू है यार, क्या ग्रीन ग्रीन एरिया, और सामने बीच। तो गाइस यार थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यार, क्योंकि इतना मेहनत करता हूँ, इतना दूर दूर से आता हूँ पंजिम से, ये छपरा फोर्ट 22 किलोमीटर और मेरे रूम से 35 किलोमीटर, तो उतना दूर से आता हूँ। देखो एकदम लास्ट में हम पहुँच चुके, इससे आगे है नहीं, तो इधर देखो एकदम ब्लू ब्लू पानी दिख रहा है एकदम, और इस साइड बीच, और इस साइड बीच। तो चलो फ्रेंड हम लोग वापस जा रहे हैं इधर से, काफी फोटो शूट हो गया, काफी घूम भी लिए हम लोगों ने, तो चलते हैं उधर ऊपर, इधर से तो हो गया काफी फोटो शूट, काफी प्यास भी लग रही है, पानी नहीं लाया हम लोगों ने। तो देखो अभी इतना ऊपर जाना है इधर से, तब जाके एक पानी बूंद मिलेगा, देख रहे हो क्या नजारा है। तो गाइस जब नीचे गए थे तब तो अच्छी तरीके से चले गए, अभी ऊपर उठने के लिए
लगी है। देखो कैसे बत्ती सी दिखा रहा है ससुरा। या कोई उठा लो रे, मेरे को नहीं रे, ये चाचा को उठा लो। ए भगवान, ए इधर सा, काफी देखो हमारा देखे देखे लोग जा रहे हैं, काफी लोग जा अभी घूमने के लिए उस साइड बैठ गए। हमारा तो घूमना हो गया, हम रिटर्न जा रहे हैं अभी रूम पे। तो गाइस इधर तो हो गया वीडियो फोटो शूटिंग जो भी करना था। तो प्लीज यार गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अच्छा अच्छा जगह पे जाके आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊं। और घर पे रहते रहते फ्री में गोवा घूमिए, गोवा घूमिए नहीं गोवा देखिए। तो जय हिंद।